जनार्दन की समस्याओं का समाधान के लिए मौजूदा वार्ड पार्षद यहाँ पे हो गए हैं और समझिए कि जनता जनार्दन और जनता जनार्दन की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक विचार विमर्श किया गया। जनता जनार्दन की समस्याओं के लिए क्या लग रहा है, इस वार्ड में इस बार बदलाव होने जा रहे, इसी बदलाव के लिए हम जनता से बात करेंगे कि क्या इस बार आप लोग की मन बना लिए हैं, बदलाव होगी सर। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार चुनाव में जो मुद्दा है सभी वार्डों को लेकर के कृष्णा सिंह जी ने एक व्यापक तौर पे उसका प्रारूप तैयार किया। इन्होंने देखा पिछले कई वर्षों से जो भी प्रत्याशी यहाँ जीतते आ रहे हैं उन्होंने वो काम नहीं किया जिस मुद्दा को लेकर वो जनता के पास गए। तो एक चीज़ तो तय है कि नया प्रत्याशी के रूप में कृष्णा सिंह जी जो अभी इस चुनाव में आए हैं, इनका सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का और इस संबंधित जितने भी लोग हमारे साथ हैं उन सब का विकास हो, और विकास वो हो जो ज़मीनी विकास हो। लोगों को रहने के लिए घर है लेकिन चलने के लिए रास्ता नहीं है, चलने के लिए रास्ता है तो पानी निकासी के लिए नाली नहीं है, नाली है तो इंक्रोचमेंट बहुत तरह का लोग करके रखा है। कृष्णा सिंह का यही मेन मुद्दा रहा कि मैं अगर आ जाता हूँ सत्ता में, लोग मुझे चुन लेते हैं, तो मैं पिछले जो भी प्रतिनिधि लोग रहा उन सबको मैं ये दिखा दूंगा कि जनता हमें वोट देती है तो किस लिए देती है। वोट का महत्व इसीलिए बढ़ा कि आप हमारी परेशानी को अपने स्तर से दूर कर दें। हर एक जनता इतना सक्षम नहीं है कि वो आप हम अपनी परेशानी को दूर कर ले, लेकिन जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनता है जनता कि उनकी परेशानियों को आप दूर करें। कृष्णा सिंह जी को जितना मैं जानता हूँ उतना मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कृष्णा सिंह जी इस मामले में सक्षम व्यक्ति हैं। एक तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दूसरा उम्र के हिसाब से तजुर्बावाद भी हैं, इन सब चीज़ों को जानते हुए। और एक चीज़ और है कि जैसा मैंने देखा, सर्वे किया, जो जितना मुझे आकलन करना था मैंने किया अपने बुद्धि के हिसाब से, लोगों का इच्छा और मन बन रहा है कि इस बार कृष्णा सिंह जी को ही वोट दिया जाए। जी, वोट दिया जाए। तो क्या लगता है कि अगर कृष्णा सिंह आते हैं तो क्या विकास करेंगे यहाँ वार्ड में? कृष्णा सिंह जी ने कह दिया है, जिस दिन उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया और जितने भी उनके साथी रहे सब लोगों ने कहा कि आप ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काम कराते रहते हैं। स्वच्छ छवि वाले एक व्यक्ति का चयन जो है सो मिल करके राजीव नगर के जितने लोग हैं, खास करके वार्ड नंबर 6 के, ये लोग मिल करके कि एक ऐसे आदमी का जो व्यक्तिगत रूप से अपना स्वार्थ न देख करके पब्लिक का स्वार्थ देखे और उसमें सब कृष्णा बाबू का नाम लोग प्रस्तावित करके एक समर्थन देने का वादा किया कि हम लोग इनको जिस भी जितना भी हम लोग को मेहनत पड़े मेहनत करके हम लोग इनको वोट देंगे। और भी यहाँ पे जनता है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या इस बार आप लोग चाह रहे हैं कि वार्ड नंबर 6 में बदलाव होगी। हाँ सर, आप बता सकते क्या लगता है इस बार बदलाव होगी वार्ड नंबर 6 में? बदलाव तो होनी चाहिए कि मौजूदा वार्ड पार्षद के द्वारा कोई विकास नहीं, विकास के मुद्दे पर मतदान होगी इस बार? विकास के मुद्दे पर विकास के लिए तो ये अच्छा काम करेंगे ना, कृष्णा चाह जो है ना अच्छा काम करेंगे, इसलिए आप लोग चाह रहे कि हाँ बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे जी। यहाँ की जनता वासियों से क्या बोलना चाहते हैं, अपील क्या करना चाहते हैं? कि मिलकर उनको अच्छी तरह से जिताए। सीधा देखिए कि एक ही कहना है कि विकास के मुद्दे पे मतदान होगा क्योंकि मौजूदा वार्ड पार्षद के द्वारा कोई विकास नहीं हुआ और इसी विकास के लिए जनता का समर्थन इस बार इनको मिलने जा रहा है। खबरों के साथ बने रहिए, कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24।